आइए आज हम सीखते हैं एक कॉलर नेक पैटर्न बनाना। यह कॉलर नेक पैटर्न शर्ट टाइप का ही है, पर थोड़ा इसकी कटिंग का मेथड डिफरेंट है। इसके लिए मैंने अपने कुर्ते की कटिंग कर ली है। कुर्ते की कटिंग के लिए आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, चाइना हाफ कॉलर कुर्ता कटिंग एंड स्टिचिंग वीडियो। उसके मेथड से मैंने अपने कुर्ते की कटिंग की है, क्योंकि मेरा कॉलर वाले कुर्ते की कटिंग करने का मेथड अलग होता है और बिना कॉलर वाले नेक के लिए मेरा कुर्ते की कटिंग का वीडियो अलग है। चाइना हाफ कॉलर कुर्ता कटिंग वाला वीडियो देखकर इस कुर्ते की कंप्लीट कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हैं। अब मैं अपने नेक की चौड़ाई 2.5 इंच लूंगी, तो मैं यहाँ पर 2.5 इंच का मार्क लगा दूंगी। इसके बाद मैं अपने नेक की लेंथ यहाँ से पहले 8 इंच पे एक मार्क लगा दूंगी, और इसे तिरछा ही हमें लगाना होगा, ये भी आप ख्याल रखिए। इसके बाद मुझे यहाँ से 4 इंच एकदम सीधा लेना है। यह मेरा एक एक्सपीरियंस से मैं 4 इंच लेती हूँ, कि 4 इंच पे आपका कॉलर एकदम गर्दन पर ऐसे टाइट नहीं होता है और कम्फर्टेबली बन जाता है। आप चाहें तो आपके कॉलर और लूज करना चाहते हैं तो थोड़ा सा और बड़ा कर सकते हैं लंबाई में। इसके बाद मैं यहाँ से 1 इंच लूँगी और इसको यहाँ स्लांट मिला लूँगी और इसकी कटिंग कर लेंगे। और अब हम ये पीछे वाला पोर्शन लेंगे। इसमें भी मैं यहाँ पर नेक में डिज़ाइन दे रही हूँ, तो मैंने यहाँ से ये 2.5 इंच लिया है और उसको यहाँ स्लांट मिलाया है वी शेप करने के लिए। अब हम इसमें पीछे का नेक भी थोड़ा सा कट करेंगे, तो हम ये जो आगे वाला नेक है इसकी कटिंग को यहाँ रख देंगे और यहाँ से हम 1.25 इंच करीब ले लेंगे और इसको गोल मिला लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। हम सबसे पहले ये पीछे वाले नेक को कंप्लीट कर लूंगी मैं। इसको कंप्लीट करने के लिए हम नॉर्मल कुर्ते की तरह जो नेक बनाते हैं उस तरह से बनाना है। अब हम ये वाले पोर्शन को तैयार करेंगे पहले, तो इसके लिए मैं इसको ऐसे डबल फोल्ड कर लूंगी और ये मेरा कपड़ा बहुत थिक है और ये मैं इससे जो गले की कटिंग का बचा हुआ कपड़ा है उसको रखूंगी और यहाँ पर ऐसे डबल रखकर इसके अंदर रखकर यहाँ से देख लीजिए इसके बराबर, और आप चाहें तो दूसरा बड़ा कपड़ा भी ले सकते हैं और इसकी कटिंग कर लेंगे। इस पट्टी को हम ऐसे फोल्ड कर तैयार कर लेंगे। अब हम इसको यहाँ पर रखेंगे इसके बराबर और बराबर सिलाई लगा लेंगे। कॉर्नर पर आकर आप सुई को हमेशा अंदर रखिए, फुट उठाइए और मुड़ जाइए, इससे आपका कॉर्नर बड़ा शार्प बनेगा, एकदम सही कॉर्नर बन जाएगा। अब हम ये कॉर्नर पर एकदम अच्छे से कट लगाएंगे सिलाई के एकदम पास तक, और ध्यान रखें आपकी सिलाई नहीं कटना चाहिए। यहाँ पर भी हम कट्स लगा देंगे और इसको हम इस तरफ टर्न कर एक सिलाई लगा लेंगे। अब हमने ये आगे वाले गले को तैयार कर लिया है और अब हम ये शोल्डर्स को जॉइंट कर लेंगे। ये हमने पीछे वाला नेक भी तैयार कर लिया है और यहाँ से हम इसके बराबर रख कर एक नॉर्मल सी सिलाई लगा लेंगे, दोनों शोल्डर्स को जॉइंट करते हुए। अब हमने ये कंधों को भी जॉइंट कर लिया। अब हम यहाँ से इसको ऐसे डबल रखेंगे और कैनवास पर अपने नेक की कटिंग करेंगे, तो कैनवास को हम इस तरह से डबल रखेंगे और यहाँ पर रखेंगे। अब हम इसको कैनवास के ऊपर इस तरह से फैला लेंगे और इसको हम यहाँ से थोड़ा ऐसे खींच कर रखेंगे और अब हम इसके बराबर ऐसे मार्क कर लेंगे। इसको आप सीधा मत रखिए, थोड़ा सा इस तरह से ही रखिए। अब हमारा ये कॉलर का शेप नेक का ये रहेगा। अब हमें अपनी कॉलर की चौड़ाई 2 इंच रखनी है, तो हम इंची टेप को यहाँ पर 2 इंच से बाहर एक मार्क लगा लेंगे।
और अब इन दोनों निशानों की कटिंग कर लेंगे। ये हमारा कॉलर इस तरह से रहेगा। अब हमें ये जो कॉर्नर है इनको थोड़ा सा इस तरह स्लान तिरछा कट करना है, तो हम इन्हें 1.25 इंच लेकर इसको ऐसे निशान लगा देंगे और यहाँ से ऐसे तिरछा कट कर लेंगे, स्लान कट कर लेंगे। तो यह कॉलर का जो ऊपरी पार्ट है वो शर्ट की तरह का कॉलर हो जाएगा। अब हम इस कॉलर को एज इट इज कपड़े पर प्रेस कर चिपका लेंगे। अब हम ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इस पर इस कॉलर को प्रेस कर चिपका लेंगे। इसी तरह से बिल्कुल ऐसे ही रखकर इसके साथ, और फिर थोड़ा बाहर बाहर से इसकी कटिंग कर लेंगे। दोनों साइड से हम थोड़ा बाहर बाहर से इसकी कटिंग करेंगे और फिर हम एक और पोर्शन इस तरह से फोल्ड करके डबल पोर्शन की कटिंग कर लेंगे। अब हमने ये कॉलर की कटिंग कर ली है, ये मैंने दोनों पार्ट किए हैं, और सीधा सीधा आपका अंदर की तरफ रहना चाहिए। और हम इसमें ये 3 साइड सिलाई लगाएंगे, ये अंदर वाली साइड हम खुली रहने देंगे। कॉर्नर पर आकर आप सूट को अंदर रखिए, फुट उठाइए, मुड़ जाइए, इससे आपके कॉर्नर बहुत अच्छे से बन जाएंगे। ये हर कॉर्नर बनाने के लिए आपको इसी तरह से करना होता है। अब हम इसमें कट लगा देंगे, ये देखिए मैंने इस तरह से इसमें सब में पूरे में सर्कल में कट लगा दिए। अब हम इसको सीधा कर लेंगे। कॉर्नर पे हमेशा में आप किसी की मदद से इन्हें बाहर की तरफ निकालें। अब हमने ये कॉलर को सीधा कर लिया है और अब इस कॉलर को हम इसके साथ जॉइंट करेंगे यहाँ से ऐसे। तो पहले हम ये ध्यान रखेंगे ये जो कैनवास वाला जिस पर हमने कैनवास लगा हुआ ये पार्ट हमारा इससे ऊपर होना चाहिए, तो हम इसको इस तरह से रखकर जॉइंट करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर एकदम कच्ची सिलाई कर पहले उससे सुई धागे से जॉइंट कर लीजिए, उससे आपकी फिनिशिंग आ जाएगी और जोड़ने में भी आपको आसानी हो जाएगी। हम पूरे को इसको लेकर इसके साथ ऐसे पूरा यहाँ तक जॉइंट कर लेंगे। यहाँ देखिए आप एकदम बराबर रखिए इसके साथ और इसको जॉइंट करिए। अब हमने ये देखिए ये सिलाई लगाकर इसको इसके साथ जॉइंट कर लिया है। ये हमारा कैनवास से बड़ा कपड़ा है तो इसको इसके ऊपर ऐसे फोल्ड करते हुए यहाँ पर ऐसे फोल्ड कर लेंगे पूरा। आपको थोड़ा आराम से और बहुत ध्यान ध्यान से इसको फोल्ड करना होगा। आप ये साइड करके इसको फोल्ड कर सकते हैं इस तरह से रखकर। ये कॉलर इस तरह से रहेगा और अब हम यहाँ पर एक पट्टी बनाकर लगाएंगे। तो हम ये जो बचा कपड़ा है इसमें से हम पट्टी बनाएंगे। तो हमें जो पट्टी बनानी है वो इस जगह पर लगानी है, तो इस जगह की डिस्टेंस को आप नापिए। तो ये हमारी लगभग 3 इंच आ रही है, तो हम 3.5 इंच की पट्टी कट करेंगे। और हमें पट्टी 1.25 इंच करीब चौड़ी चाहिए, तो हम इसे 2 इंच की पट्टी कट कर लेंगे। 2 से 2.5 इंच की पट्टी आप कर लीजिए कट, और इसे हम 4 इंच लंबी कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा ऑग्यू से हम सिलाई के अंदर डाल लेंगे। एक और ऐसी ही पट्टी कट कर लेंगे हम और इसको इस तरह से रखकर एक ये साइड और यहाँ साइड पर हम सिलाई लगा लेंगे और इसको हम इस तरह से
एक्स्ट्रा को कट कर लेंगे और इस पट्टी को हम सीधा कर लेंगे स्क्रू ड्राइवर की मदद से। इसके ऊपर अब हम सिलाई लगा लेंगे एक, और अब हम इसमें यहाँ से ये अंदर की तरफ करते हुए ये पट्टी लगाएंगे और इधर से ये अंदर की तरफ करते हुए, और फिर इस पर हमारे काज बटन लगेंगे। तो बिल्कुल ऐसे सेट कर लीजिए आप कहाँ आपको लगानी है, और उसके बाद आप इसे यहाँ पर सिलाई लगा लीजिए दो तीन मजबूती से, और इस तरह से हमारा ये नेक बटन होगा। और इस पर हम यहाँ पर बटन लगाएंगे उसको, इस पर आप चाहे तो एक हुक ही लगा के ऊपर से शो बटन लगा सकते हैं, और आप चाहे तो यहाँ पर कांच बटन भी कर सकते हैं, ये पूरा आपकी चॉइस पर है। ये हमारा फ्रंट से इस तरह से दिखाई देगा और बैक से हमारा एक कॉलर इस तरह से दिखाई देगा, और ये हमारा जो बैक में हमने ट्रायंगल का डिज़ाइन बनाया वह पहनने के बाद आपका ये इस तरह से दिखाई देगा। और इस तरह से हमारा ये नेक पैटर्न बनकर कंप्लीट है। इसकी जो पट्टी है इसको हमने अलग अलग रखा है, ये आप इसको खोलकर पहन सकते हैं। और इस पर मैंने टच बटन लगाए हैं जिनको कि प्रेस वाले बटन भी बोलते हैं, और ऊपर से यह मैंने गोल्डन कपड़े के बटन बनाकर लगाए हैं। तो इस तरह से हमारा यह नेक पैटर्न बनकर कंप्लीट है। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट्स में लिखें, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आने वाली नई वीडियोज़ के लिए, और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू।